यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट में, यूके के एक कोर्ट में इस कंपनी एस्ट्राजेनेका के ऊपर क्लास सूट डाला गया, दीवानी दावा डाला गया, और छोटा मोटा नहीं, लगभग 1,000 करोड़ का दावा इनके ऊपर डाला गया है। किन्होंने डाला है? उन नागरिकों ने डाला है जिनको इस वैक्सीन के बाद जिनके घर वालों की मृत्यु हो गई या वो गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिसके अंदर एक जवान लड़का शादी में डांस कर रहा है, डांस करते करते वो गिरा और वो गुजर गया। और जब जब कोई दम तोड़ता था, लोगों के मन में ये सवाल था कि कहीं ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से तो नहीं है। उस वैक्सीन के बारे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा कि इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट हैं कि इसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग होती है और प्लेटलेट काउंट कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ सकते हैं। किसी लड़की की शादी है, वरमाला लेके खड़ी है स्टेज पे, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो स्टेज पे ही दम तोड़ देती है। हजारों लोग अपनी इस दिनचर्या के अंदर पिछले 2-3 सालों में दम तोड़ चुके हैं। हमारे देश के करोड़ों नागरिकों के लिए, करोड़ों परिवारों में जवान लड़के लड़कियों के लिए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, इस सडन राइज ऑफ हार्ट अटैक्स रिलेटेड टू कोरोना वैक्सीन, ये सवाल सबके मन में है। सरकार को अब क्या करना चाहिए, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उन्हें क्या टेस्ट कराने चाहिए जिससे ये पता चल सके कि क्या इस कोविड की कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से उनके अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग तो शुरू नहीं हो गई है, और क्या केंद्र सरकार ने अब तक इस पे कुछ किया है। पता करना पड़ेगा कि कैसे वार्निंग साइंस हम अपने घर के बच्चों में देख सकते हैं, सिम्टम्स हम अपने घर के परिवार के बच्चों में 40 साल के, 50 साल के ब्रेड अर्नर्स के अंदर जो पूरे घर को चलाते हैं उनमें देख सकते हैं। युद्ध स्तर पे केंद्र सरकार को एस्ट्राजेनेका से बात करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी। मगर जब सरकार इसके ऊपर सो गई, कोई हरकत सरकार की तरफ से नजर नहीं आई, तो हमें यह प्रेस वार्ता करके सरकार से पूछना पड़ रहा है कि सरकार बताइए इस विषय में आप क्या कर रहे हैं, ताकि अगर किसी के ऊपर इस तरीके का साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसकी जान बचाई जा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और कई सारे देश यूरोप के ऐसे थे जिन्होंने उसी समय कोविशील्ड को बैन कर दिया था, मगर अब जब खुद एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में मान लिया कि उनकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक आदि की घटनाएं रेयर केसेस में हो सकती हैं, यूरोप के देशों में तभी शुरू हो गया था, और यूरोप के अधिकांश देशों ने कोविशील्ड का इस्तेमाल बैन कर दिया था अपने देशों में, और हर वीडियो में सवाल पूछा गया है क्या ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से हो रहा है। जिस समय भारत की सरकार घूम घूम के लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाने के प्रयास कर रही थी, वैक्सीन का एक डोरवे बना दिया गया था, थ्रेशोल्ड बना दिया गया था कि वैक्सीन लगेगी तो ही आप ये काम कर सकते हैं, ऐसे कई जरूरी कामों के ऊपर वैक्सीन की कंडीशन लगाई गई थी, तो भी केंद्र सरकार चुप बैठी है, नहीं बता रही कि उनका अब देश के लोगों को बचाए रखने का क्या प्लान है।